एवरी वन और क्या हाल है स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो के अंदर और एज यू कैन सी दिस वीडियो इज बेसिकली हमने एक टॉपिक रखा है जो कि आपका है लेक्चर नंबर टू कंप्लीटेड द फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर नाउ दिस इज द चैप्टर नंबर टू फ्रॉम योर क्लास इलेवेंथ हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बारे में और सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ा ही शानदार टॉपिक है आपके पास जिसको आपने बहुत सुना होगा लेकिन अक्सर बच्चों को उसका मतलब नहीं पता होता तो हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी टेक्सो नॉमी प्लस में नॉमन ठीक है तो आई कैन सेट टूडे वी विल ट्राई टू कम्प्लीट दिस चैप्टर बेसिकली है ना तो हमारे पास वी आर हैविंग द टॉपिक्स लाइक टेक्सोनॉमिकल एड्स टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज नॉमन क्लेक्चर वी हैव एंड वी हैव दिस टेक्सोनॉमी तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे पास बच्चे हैं इन्हें हमें कम्प्लीट करना है सो दैट इज वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर टुडेज लेक्चर रेडी हो पेन कॉपी निकाल के बैठ जाऊँ है ना मुझे पता है तुम्हारे बाजू में एक कॉपी रखी है एक पेन रखा है लेकिन तुम्हारे हाथों में नहीं है तो उसे निकालो और बैठो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा दैट इज अबाउट माई सेल्फ माई नेम इंड आई एम योर बायोलॉजी एडुकेटर है ना बायोलॉजी मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ बायोलॉजी ठीक है और कोशिश करूंगा कि यार तुम्हें भी बहुत पसंद हो जाए बायोलॉजी तो अगर हम शुरुआत करें तो मेरा नाम है लक्ष्य एंड आई एम प्लस वेरीफाइड एडुकेट ऑन अकेडमी क्लासेज यार हमारी ऑलरेडी अवेलेबल हैं आप चाहें तो स्पेशल क्लासेस में भी आ सकते हैं वीज आर फ्री फॉर यू जैसे आपकी यूट्यूब की क्लासेज है ऐसी अकेडमिक्लेटफॉर्मी बट देर वीनडक्स इन देशल क्लासेस पार्टिसिपेट इन दोल्सल्ट एज वेल द लीडर बोर्ड यूल नो डिस्ट्रेक्शन इन यूट्यूब नो देर इज अट ऑफ ना बट यहाँ पे क्या होता है इतनी ज्यादा तो इसलिए

एंट्रोल इट फॉर राइट नाउ जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन चेक द लिंक क्लिक कीजिए और उसको फटाफट सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज दे आर वी आर है तो आपके पूरे स्ट्रेच कोर्सेज हर एक टॉपिक आपका फुल डिटेल में कवर कराया जा रहा है वहां पर देख सकते हैं इन एडिशन वी आर गोइंग विद द प्लस कोर्सेज में आपको टेस्ट सीरीज वगैरह है ना आपको प्रैक्टिस सेशन सब कुछ मिलता है इसके अंदर इन कोर्सेज को आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं ओके एंड ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेशल क्लासेस जो होती है इसमें यू कैन स्टडी फ्रॉम योर फेवरेट एडुकेटर जो आपके फेवरेट एडुकेटर्स हैं आप उनके उनसे स्टडी कर सकते हैं सभी एडुकेटर्स वहाँ पे आपको पढ़ा रहे होते हैं ठीक है एंगेज विदीज आई टोल्ड यू के नॉट कंडल वेयर वी कैन आस्क इन दमेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेक्ट यू कैन गिवसर टूअर्स है तो वो चीज़ आपके साथ वहां पे होती है इवन यू कैन आस्क योर डाउट देयर यहाँ पे बहुत सारे कुछ कुछ डाउट्स uh, नहीं हो पाते हैं कंडक्ट है ना मगर वहां पे आपके सारे डाउट्स लिए जाते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में स्पेशल क्लासेस गो एंड चेक आउट दैट एंड विजिट दैट आज हमारी शाम को एक स्पेशल क्लास है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे है ना दिस इज द स्पेशल क्लास वी हैव दैट इज अबाउट द प्लांट किंगडम तो इफ यू हैव डन दिस चैप्टर इफ यू डन वरी अबाउट दिस ये चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका है प्लस क्लासेज में Uh, स्पेशल में आपका चल रहा है कुछ पार्ट एल वाला पार्ट अभी हुआ है सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर अगर आप कर चुके हैं तो इस सेशन इस को आप अटेंड कर सकते हैं जो कि है आपका कौन सा प्लांट किंगडम सिक्सटी क्वेश्चन ये जो आपका सेशन uh, है हमने आज के लिए रखा है आज रात को नौ बजे होगी तो आप प्लेटफॉर्म पे आना आपकी लिंक मिल जाएगी आपको यू कैन गो एंड अटेंड दिस सेशन ओके तो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी हैं हमारे पास डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट सम लिंक्स द फर्स्ट लिंक इज योर

वट वी बेसिकली स्टडी वी बेसिकली स्टडी फोर थिंग्स द फर्स्ट वन इस योर क्लासीफिकेशन द सेकंड वी हैव योर आइडेंटिफिकेशन थर्ड इज सॉरी फर्स्ट इज करेक्टराइजेशन सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन थर्ड इज क्लासीफिकेशन एंड फोर्थ वन इज नॉमन क्लेशन तो ये चार बातें हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के इस, इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर तो आइए इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में कोशिश करते हैं जानने की है ना बट बिफोर दैट हाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस चैप्टर हाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस टॉपिक पर्टिकुलरली सो मैं आपको कुछ रिविजन दू से पहले हम क्या पढ़ चुके हैं तो देखो इससे पहले है ना लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था लेक्चर फर्स्ट में हमने बात की थी लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग के बारे में इसके बारे में लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड है ना इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था इसके बाद

नाउ टूडे वी वॉन्ट टू स्टडी कियर हमने देख तो लिया कोई चीज लिविंग है या कौन सी चीज नॉन लिविंग है अब नाउ इन द चैप्टर वी विल बी ऑनली फोकसिंग ऑन द लिविंग थिंग्स जस्ट लीव द नॉन लिविंग थिंग्स है ना ऑनली लिविंग थिंग्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं तो जो आपके पास लिविंग थिंग्स है बिकॉज बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग है ना आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ना कौन कौन से चुहे हुए उधर कुदर खुद कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानना होता है बायोलॉजी के अंदर तो अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो लिविंग्स को हमें जानना है आप देखो लिविंग हमारे पास है तो सही लेकिन उसको अगर आपको चीड़ पार करना है पोस्ट पोस्टमार्टम करना है उनका है ना उसे पका के खाना है आपको या उसको इंडस्ट्रीज में यूज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको उसके लिए आपको एटलीस्ट उन्हें इकट्ठा करके उन्हें पढ़ना पड़ेगा तो हाउ टू कलेक्ट दैम हाउ टू स्टडी दैम दिस इज वॉट वी हैव द डिस्कशन बेस्ड ऑन आवर टू लेक्चर ठीक है सो वी विल स्टडी अबाउट द टेक्सोनोमी सो इट इज नथिंग बट इज द ब्रांच जो बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करती है और उन्हें कैटेगरीज में बांट देती है समझ रहे हो व्हाट एक्जेक्टली हैपंस इन टैक्सोनॉमी है ना सो एक एक मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि यार आ, आपका एक चैप्टर है जिसमें एक डेटा आपको दिया हुआ है व्हाट्स द डेटा हियर डेटा इज लाइक एक साइंटिस्ट थे आपके एक साइंटिस्ट थे है ना अ व्हाट द नेम नाम क्या था उस साइंटिस्ट का अ आई थिंक उनका नाम था रॉबर्ट मे नाम था शायद उनका है ना तो एक साइंटिस्ट थे आपके है ना उन साइंटिस्ट ने क्या कहा उन्होंने कहा कि आई नॉट रिमेंबर द नेम बट लेट्स टेक इट है ना uh, उन मतलब मुझे नाम रॉबर्ट मे नाम था उनका रॉबर्ट ही कि यार हमारी इस दुनिया में इनका एस्टीमेशन था क्या था एस्टीमेशन एस्टिमेशन वी एस्टिमेट में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं दैट इज सेवन मिलियन यू नो वट इज सेवन मिलियन सत्तर लाख तो इतनी इतने जो है वो पाई जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ना यू नो ऐसे बहुत साइंटिस्ट इन्होंने कहा कि यार बीस लाख मिल जाएंगी तो मैं पंद्रह लाख स्पीसीज़ मिल जाएंगी मैं बीस लाख मिल जाएंगी है ना ऐसे बहुत साइंटिस्ट बोलने लगे थे बट रॉबर्ट मे वॉज वन ऑफ़ द यू नो वेरी काफ़ी पहुँच थी इनके ना बहुत नामी साइंटिस्ट uh, थे उस टाइम के समय पर तो उस टाइम पे यार इनकी बात को तवज्जो दिया गया है ना इनकी इनकी बातों को रखा गया और माना गया कि हाँ यार इतनी अप्रॉक्सीमेटली स्पीसीज जो है हो सकते हैं सेवन मिलियन अभी तक हमने ढूंढी कितनी है इनमें से कितनी हमें मिली है तो अगर मैं आपसे बात करूँ डिस्कवर्ड स्पीशीज के बारे में डिस्कवर्ड स्पीशीज के बारे में सो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीशीज वी हैव डिस्कवर्ड इन नाउ सो वी हैव डिस्कवर्ड द 1.5 से 1.8 मिलियन स्पीशीज तो इतनी स्पीशीज को अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं इतनी हमें मिल सकती हैं इतनी हम डिस्कवर कर चुके हैं ठीक है इतनी हम डिस्कवर कर चुके हैं

मैं कुछ बातें बताता हूं यहां पे मैं एक बात लिख रहा हूं दैट इज दैट इज वी नीड सम ब्रांच वी नीड सम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टू ग्रुप और क्लासिफाई ग्रुप और क्लासीफाई टू ग्रुप और टू क्लासीफाई या फिर आइडेंटिफाई इन करेक्ट इन पर्टिकुलर कैटेगरी एक्चुअली हमें ब्रांच ऐसी चाहिए बायोलॉजी की जिसमें हम क्या कर सके जिसमें हम इन सभी स्पीशीज को उठाकर इन्हें हम आइडेंटिफाई कर पाए इन्हें हम क्लासिफाई कर पाए इनकी ग्रुपिंग कर पाए यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग बेसिकली डिवाइड देम इनटू द ग्रुप मेक देयर ग्रुप्स लाइक आई एम सिटिंग सीटिंग मेरा एक फ्रेंड है और मेरे कुछ और दोस्त हैं तो हम सब क्या बन गया ग्रुप बन गया उसके इसमें तो ऐसे हम इनके ग्रुप्स बना सके और उसे हम आइडेंटिफाई कर पाए ठीक है उसे तो उसके अमेरिका एक ब्रांच चाहिए उस ब्रांच को क्या नाम दिया गया तो ब्रांच आपकी है या तो फिर हो सकती है या फिर वो सिस्टमैटिक हो सकता है क्या हो सकता है सिस्टमैटिक्स समझ में आया इट कैन बी आइदर एक्सोनॉमी और इट कैन बी सिस्टमेटिक्स ठीक है

उस एग्जाम्पल पे ध्यान देना ठीक है मैंने यहां एक एग्जाम्पल लिखा है इस एग्जाम्पल पे हम वापस आएंगे पहले यहां पे समझो एक बार एक्सोन एंड कैटेगरी का मतलब क्या है देखो बेसिकली ठीक है एक बर्ड है और एक मान लो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसके चार पैर है ठीक है और लेटेस्ट है बीटल हेयर ठीक तो, like, like है तो लाइक वी है ठीक है बचपन वाली ड्राइंग बना दी मैंने आपसे बचपन में हम ऐसे कुछ भी करते रहते ना ऐसी फालतू में तो टाइम पास कर दिया हमने

हो सकता है कि ये शेर हो और ये एक डॉगी हो कुत्ता हो ठीक है तो इन दोनों को उठा के काम करते है, एक हैं एक तरफ ले लेते हैं हम तो इनका हमने एक ग्रुप बना दिया किसका इसका ठीक है इसका बना दिया एक ग्रुप हमने दूसरा ग्रुप देखो मैंने इनका एक ग्रुप बना दिया ठीक है हमने ये बर्ड है ये भी एक बर्ड की तरह है तो इसको हमने एक ग्रुप बना दिया इसका

अपने दांतों का इस्तेमाल करेगी फाड़ने के लिए है ना? इट फ्लैश पार्ट है ना? तो तो आपके आ रहे ये 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 सब क्या सब क्या क्या है 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 ठीक है नाउ ये भी क्या है ये भी टेक्सॉन है भाई एक एक ग्रुप बन गया ना इस केस में और एक ऐसा ग्रुप जिसके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसे आप क्या कहते हो उसे आप कहते हो टैक्सोन तो देखो ये ग्रुप बन गया एनिमेलिया क्या होता है ग्रुप होता है एक तरीके से कि है ना तो दीज़ ऑल आर व्हाट वी हैव द टैक्सोन नाउ व्हाट इफ आई आस्क यू अबाउट द कैटेगरी तो क्या ये कैटेगरी है क्या ये कैटेगरी है ये कैटेगरी है ये है ये है ये है अजी हां ये सब कैटेगरी है किंगडम एक कैटेगरी होती है ठीक है स्पीशीज एक कैटेगरी एक तरह की ये सब क्या है कैटेगरीज है मगर क्या ये कैटेगरीज है नहीं ये कैटेगरीज नहीं है क्यों नहीं है बिकॉज कैटेगरीज होता है वो एक रैंडम ग्रुप होता है किस चीज का इट इज जस्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स उसमें स्पेसिफिक फीचर्स है या नहीं है वट मैटर्स नहीं मैटर करता तो देखो इनके पास तो फीचर्स है ना प्रॉपरली तो इनको आप टेक्सॉन नाम दो वो ज्यादा बेटर है है ना लेकिन इनके पास क्या है ये भी टैक्सॉन्स ही है लेकिन साथ में क्या है ये कैटेगरीज आप नहीं कह सकते हो तो आप देख पा रहे हो सभी टैक्सॉन्स सभी कैटेगरी टेक्सोन तो होते हैं मगर सभी टेक्सॉन्स कैटेगरी होना जरूरी नहीं है बिकॉज दीज आर नॉट कैटेगरीज ठीक है तो आई कैन आई कैन से दैट ऑल टेक्सॉन्स या ऑल टेक्सॉन्स आर कैटेगरी बट ऑल कैटेगरी नॉट necessary टू बी taxon. ठीक है ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। वापस आते हैं तो ये now, topic, तो वही बस बना के उन्हें क्लासिफाई करना एज टेक्सोमी पढ़ते हैं इसके बारे में टेक्सोनमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स क्लासिफाइंग और ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स मतलब इसमें क्या होगा

That features can be evolution. कैसे भी features को देखो है यूर जस्ट लुकिंग ओवर द आउटर पार्टी हाउ डज द पर्सन एक्जेक्टली लुक लाइक तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर अियर यू जस्ट क्लासीफाई दर्गेनिजम लाइक दिस ऑर्गेनिजम इज ऑल्सो हैविंग द फोर लेग्स इसके बाद भी चार लेग उठाकर एक तरफ डाल दो इनको ठीक है दट इज हाउ यू क्लासीफाई मॉर्फोलॉजी हो सकता है फिजियोलॉजी उनके बॉडी फंक्शनिंग कैसे काम कर रहे हैं ऑन दैट बेसिस ऑल्सो यू जस्ट यू नो टेक दैम एन ग्रुप कीप दम इन टू अर सिंगल ग्रुप ठीक है बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑल्सो कब इवॉल्व हुआ ये और ये बी like स्पीसी तो कर सकते हो दूसरा क्या स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के तो पहला स्टेप्स Character... होता है क्या करेक्टराइजेशन करेक्टराइज करेक्टराइजेशन दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन इडेंटिफिकेशन तीसरा स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट स्टेप यू हैव दैट इज योर करेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमन क्लेक्चर दैट इज योर नॉमन क्लेक्चर

चार पैर हैं, दो एंटीना है दो आंखें हैं इसके पास क्या चीज है इसके पास है ना तो फॉर इस मतलब क्या होता है इसका इसका मतलब है नोट डाउन फीचर ठीक है नोट फीचर्स नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करो कैसे करोगे आइडेंटिफाई कोई एक ऐसी स्पीशीज आपके पास ऑलरेडी डिस्कवर है उसके कंपैरिजन में इसे कंपेयर करो तो इट्स लाइक यार आपके पास कोई स्पीशीज पहले से डिस्कवर हो रखी है जैसे आपके पास मान लो आ, आपने किसी ऑर्गेनिज्म को आपने देखा कि यार आप जंगल में गए थे आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला अब नाउ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज द न्यू स्पीशीज शायद ना हो शायद ये ऑलरेडी कहीं जू के अंदर पड़ी हो एक स्पीशीज ऐसी है ना तो तुमने क्या किया तुमने तो अपने किसी लाइक किसी से पूछा तुमने कि यार ये स्पीशीज मुझे ऐसी मिली है आपने इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई उस बंदे को ठीक है वो कहेगा यार ये कैरेक्टरिस्टिक तो इसके पास है तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे

ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पीशीज ठीक है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अब आपको इसके बारे में सब कुछ पता है है ना? अब इसे उठाकर एक अच्छे से ग्रुप में डाल दो कि भाई अगर इसके पास प्लांट की करैक्टरिस्टिक्स है तो प्लांट में डाल दो एनिमल्स की है एनिमल्स में डाल दो फंगस की है फंगस में डाल दो लास्ट नॉमल क्वेश्चन एक नाम दे दो दैट इज हाउ यू डू टेक्सॉनमी तो चार स्टेप आपको फॉलो करने अगर आप टेक्सोनॉमी की स्टडी कर रहे हो किसी भी नई स्पीशीज को अगर आप पढ़ रहे हो तो यू है एक बार रिव्यू करो उसको हमने टेक्सोनॉमी से बेसिक करना कैटेगरी के, uh, के बारे में जाना एंड आफ्टर दिसकस अबाउट taxonomy ok is my voice coming taxonomy yeah Chimna is here hi Chimna Chinmoy good afternoon I think you have been promoted in class 11th is that is it something like is it something like that right

तो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट रिवीजन रिविजन हैव टोल्ड यू टिल नाउ उसके बाद हम आएंगे आपकी नेक्स्ट ब्रांच पे जो कि है सिस्टमैटिक्स नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिस्टमैटिक्स मिनट देखो मैंने आपको बताया साइडिंग में वी हैव अ लॉट ऑफ स्पीशीज हाउ मेनी स्पीशीज सेवेंटी मिलियन वी कैन हैव इट्स अ प्रोडिक्शन कि वी कैन हैव 70 मिलियन मतलब 70 लाख स्पीशीज हमारे पास हो सकती हैं एंड हाउ मच वी हैव डिस्कवर्ड सो फार वी हैव डिस्कवर 1.5 टू 1.8 मिलियन दैट मींस वी हैव डिस्कवर्ड द 15 लाख टू 18 लाख स्पीशीज वी हैव डिस्कवर्ड येट ठीक है नाउ अगर इतनी सारी स्पीशीज हमारे तो पास हैं तो हम क्या करेंगे उसका कुछ तो करेंगे पका के खाएंगे उसको है ना या उसको फार्मेसी uh, में इस्तेमाल करेंगे या उसको हम इंडस्ट्री में भेज देंगे कुछ काम करने के लिए है ना तो ऐसे हम कुछ काम तो करेंगे उनका है ना नाउ वी नीड द स्पीशीज बट फॉर फॉर द नीड वी हैव टू जस्ट क्लासिफाई देम वी हैव टू स्टडी देम हाउ वी विल स्टडी दिस मच लार्ज स्पीशीज फॉर दैट वी हैव अ ब्रांच कॉल द टेक्सोनोमी और सिस्टमेटिक्स टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच जो कि क्या करती है ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज हम उसे क्लासीफाई करते हैं हम कैटेगरीज बनाते हैं इट्स लाइक कि मान लो

टेगरीजगरीज बनी हुई है एक category, 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 तो वो उस मॉल में जाना पसंद करेगा लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसमिल तो अगर मैं इसके आगे बढ़ू तो मैंने आपको बताया कि यार कैटेगरी ऑफ टेक्सॉन का मतलब क्या होता है कैटेगरी ये सारी कैटेगरीज है लेकिन जो स्पेशल जिनके पास जो सेम एक जैसी है उनको आपने जब एक ग्रुप में बांट दिया तो उन ग्रुप्स को आप कहते हो टेक्सॉन इट इज अ इट इज अ इट इज अ ये सब क्या है टैक्सॉन्स है ठीक देन आई टोल्ड यू अबाउट द इज अ ब्रांच ऑफ क्लासिफाइंग मतलब ऑर्गेनिज्म को उठाओ उन्हें क्लासीफाई करो दिस इज कॉल्ड एज अ टेक्सोनोमी बेसिस ऑफ देयर फीचर्स फीचर कैसे हो सकते हैं एक्सटर्नल फीचर हो सकता है मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी या फिर एवोल्यूशन कोई भी फीचर हो सकता है दीज आर द फोर स्टेप्स इन टेक्सोनॉमी

बाई बाय का मतलब क्या होता है टू तो मतलब कि का क्लेचर है है जो इनका नाम देने का तरीका है, उसमें दो चीजें होंगी एक होगा जीनस और एक होगी स्पीशीज ठीक है इन्होंने क्या कहा कहा इन्होंने कि भाई अगर आप किसी का नाम देना चाहते हो तो ऐसे नहीं चलेगा कि आप चिंटू पिंटू मोन्टू बंटी कुछ भी नाम दे रहे हो ऐसे कुछ नाम नहीं दे सकते आप है ना यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर एंड द प्रोसीजर इज हमारे नाम के नाम तो कैसे भी दे दो लेकिन ये थोड़े से यार अच्छे मतलब इज्जतदार लोग हैं है ना प्रोफेशनल लोग हैं है ना बहुत रॉयल लोग हैं रॉयल ठीक है तो ऐसी नाम नहीं दे देंगे यू नो प्रोसीजर फॉलो करेंगे है ना पूरी एक लिस्ट बनाएंगे उस चीज की तब उसको आप नाम दे पाओगे मैथमेटिक्स लगाएंगे उसके अंदर है ना तो उन्होंने कहा कि यार पहला वर्ड जो होगा वो जीनस होगा दूसरा वर्ड क्या होगा स्पीशीज होगी दीज आर द टू वर्ड्स अगर आपको किसी को नाम देना है तो ठीक है नेम द ऑर्गेनिज्म इन द मोड ऑफ टू वर्ड्स पहला वर्ड क्या है आपके पास जीनस सेकंड वर्ड इज द स्पीशीज प्रपोजेस द साइंटिफिक नेम इन सेवनटीन फिफ्टी थ्री नॉमन क्लेचर क्या होता है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना स्कॉल्ड एस इसकॉ एस नॉमन क्लेचर ठीक है अगला देखें रूल्स क्या है नॉमन क्लेचर के अब नाउ द क्वेश्चन और आइजिस कौन कौन से रूल्स हमारे पास है इफ आई वॉन्ट टू लाइक आई गॉट ए स्पीशीजर ये मुझे एक स्पीशीज मिल गई अब बताओ इसका मैं नाम कैसे हाउ टू राइट द नेम तो कुछ स्टेप्स है हमारे पास उसके लिए देखते हैं क्या स्टेप्स होंगे वो देखे राइट चिमने राइट अक्षर

एक नेम जो आप ऑलरेडी जानते हो मैंजीफेरा इंडिका फेरा इंडिका तो पहला वर्ड क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जीनस. एक प्लांट का जीनस क्या है और ये क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है स्पीशीज ठीक है कौन सा वर्ड क्या दिखा रहा है ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना भाई फिर मैंने बोलना बताया नहीं यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार है तो पहला क्या है जीनस एंड दूसरा वाला स्पीशीज ठीक है तो पहले वाले का पहला लेटर कैसा है कैपिटल है दूसरे वाले का स्मॉल है जैसे बचपन में हमारी मैडम मार मार के सिखा देती है ढंग से बनाओ उसको बोथ द नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक दोनों ही नेम्स कैसे होने चाहिए इटैलिक में प्रिंट होने चाहिए अब भाई एग्जामिनेशन में तुम प्रिंटिंग मशीन कहाँ लेके जाओगे

है ना फिर अफ्रीका में से कुछ और कहते हैं अमेरिका में कुछ और कहते हैं अरे तुम कितने इंग्लिश में उसे मैंगो कहते हैं कितने नाम जानोगे तुम उसके अ पर्सन इज देयर हु इज वेल वेल यू नो वेल क्वालिफाइड तो एक मान लो अमेरिका से बंदा आया है ना वो कह रहा है मैंगो मैंगो आई वॉन्ट मैंगो यहाँ पे एक मतलब एक थोड़ा सा लाइक यू नो फार्मर टाइप पर्सन है उसे नहीं पता मैंगो क्या है ना उसे पता है, उसे पता है हाफूज या उसे आम पता है है ना तो दूसरी पता है उसको दूसरी मैंगो होते हैं हाफूज होते हैं अब वो क्या समझेंगे दूसरे की बात समझ नहीं पाएंगे बेचारे उसकी बोनी नहीं होगी और उसे मैंगो नहीं मिलेगा दोनों परेशान हो जाएंगे उसके इसमें तो एक साइंटिफिक नेम हमारे पास है वो साइंटिफिक नेम क्या है वो है इसका इंडिका तो वो मैं इंडिगाव मैंजी फरा इंडिका यू हैव हैव इंडिका इंडिका वो फार्मर बोलेगा आई yes, ठीक तो है तो ऐसे वो बातें कर सकता है तो एक कॉमन नेम है ये इंडिया में भी सेम होता है अमेरिका में भी सेम है अफ्रीका में भी सेम है मतलब हर जगह सेम होता है ठीक है दैट इज हाउ और ये सब किसने करवाया कौन था वो साइंटिस्ट ने पॉसिबल करवाया वो थे ये हमारे

वर्नेकुलर नेम्स काफी सारे नाम्स को हटाकर सिर्फ एक सिंगल नाम देना यही मकसद है किसका आपके नॉर्मन क्लेचर का डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इनेबल पीपल टू अराइव एट द सेम नेम है ना उनका डिस्क्रिप्शन जो है उनको एक सेम नेम पे लेके जाता है ये फायदा है किसका नॉमन क्लेचर का नेक्स्ट एनश्योर डेट द नेम हैज बीन यूज फॉर द मोर देन वन नॉन ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म है जो आपका नाम है वो एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल ना हो दैट इज वॉट टू फिगर आउट माय गॉड स्क्रीन फ्रीज हो गई ओहोह oh देखो मैं चेक करता हूँ अभी आई क्या स्क्रीन हेलो हेलो अभी आई क्या स्क्रीन यार, मेरी मेहनत खराब हो गई है क्या करूं इसका मैं मैं तो इतनी इज्जत से पढ़ा रहा था कार्ड लेनी इसको इन्होंने तो यार स्क्रीन ही रोक डाली मेरी स्क्रीन नहीं आई क्या फाइन नॉट फाइन डी और नॉट फाइन चलो मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं बट आई वॉज टेलिंग बट आई वॉज टेलिंग तो स्क्रीन कहां रुक गई थी आप तो ये भी याद नहीं चलो यहाँ पे आते हैं वापस नॉमन क्लेचर की बात कर रहा था मैं आपसे वट इज नॉमन क्लेक्चर नॉमन क्लेचर इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू ऑर्गेनिज्म लग रहा है मुझे ऐसा वापस रुक गई नाउ इट्स फाइन दिखाई दे रहा हूं मैं बता दो एक बार आज तो पता नहीं क्या हो गया है ना हम तो यार इतनी मेहनत से पढ़ा रहे थे इतनी इज्जत दे रहे थे हमारे कार्ड लेने साहब को इन्होंने हमारी स्क्रीन ही रोक डाली कोई बात नहीं है ना कोई बात नहीं हम वापस से हार्डवर्क करेंगे है ना वापस से हम अपने पैशन की तरफ डेडिकेशन दिखाएंगे देखो देखा पे ध्यान से व्हाट इज नॉमिन कलचर नॉमिन क्लचर इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म उन्होंने कहा कि यार नहीं ऐसे नहीं चलेगा जो तुम नाम देते हो चिंटू पिंटू मोंटी बंटी ऐसे नाम नहीं चलेंगे अब ठीक है अब तुम्हें एक एक साइंटिफिक नेम देना है ना तुम्हें एक तरीके से नाम देना है अभी यार बड़े आदमी है ना एक बड़े प्रोफेसर टाइप है रॉयल पीपल है, है ना अमीर आदमी है

मैंजी इंडिका क्या है बेसिकली मैंजी फेरा इज द इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो तो उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो प्रॉब्लम क्या थी कि यार मान लो एक विदेश से एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी आया है ना वो हमारे देश में आया है उन्होंने कहा कि यार आई वॉन्ट मैंगो वट आई वॉन्ट आई वॉन्ट मैंगो तो अब सामने खड़ा हुआ एक फार्मर अब उसे क्या पता भाई मैंगो क्या है है ना वो जानता है हाफूज क्या होता है उसे पता है आम क्या होता है उसे ये जानता है है ना तो वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और बेचारे दोनों परेशान हो जाएंगे बेचारे उस फार्मर की बोनी नहीं हो पाएगी और जो पर्सन है जो बिजनेस मैन है है ना उसको आम नहीं मिलेगा तो दोनों परेशान हो गए उस केस में है ना तो एक तरीके से इन्होंने कहा कि यार नहीं हम बहुत सारे नाम नहीं रखेंगे लाइक मैंगो का नाम हाफुस भी होता है मराठी में है ना आ, हिंदी में आपके पास आम कहते हैं है ना इसको आप दुसहरी मैंगो भी कहते हो दूसरी आम है ना इंग्लिश में मैंगो कहते हैं इसको हिंदी में आम कहते हैं बहुत सारे नाम है इसके तो इस केस में सब नाम को हटाओ अफ्रीका में कुछ और कहते होंगे इसको तो कितने सारे नाम है ये कहना इन सब नाम को हटाओ बस एक नाम रखो जिस जो के अमेरिका के साइंटिस्ट साइंटिस्ट को भी पता है एंड इंडियन द फर्स्ट पहले आप जीनस लिखो तो ये एक मैंगो का जीनस है ठीक है देन फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज तो जीनस का पहला लेटर कैसा होगा कैपिटल होगा जैसे हमारी मैडम हमारे मास्टर जो थे ना वो मार लगा हमारे, हमारी पिटाई लगाते थे बचपन में

प्रिंट कैसे करोगे तो उस केस में आप क्या करें भाई दिक्कत है तो इन्होंने कहा कि चिंता मत करो अगर तुम हाथ से उस नाम को लिख रहे हो तो हाथ से नाम लिख समय बस अंडरलाइन कर दो देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया उसको प्रॉब्लम सॉल्व अरे तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई अरे क्या हो रहा है इंडिका अंडरलाइन कर दिया और स्पीशीज़

उनके नाम ये रखेगी और आई सी बी ए सी एन मतलब बैक्टीरिया के नाम ये रखेंगी तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं ध्यान रखना यार सर विच वन इज मोर प्रॉफिटेबल पी और पी ये सवाल कुछ टाइम पहले मैंने अपने मास्टर से पूछा था जब मैं लाइक टेंथ क्लास में था मैंने कहा सर पी ज़्यादा मतलब इंजीनियर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं या फिर मेडिकल फील्ड ज़्यादा अच्छी होती है तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि यार जो मैथमेटिक्स लेते हैं जो इंजीनियर बनते हैं उनको स्टार्टिंग में तीन चार साल खूब पढ़ाया जाता है उन्हें खूब इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, है ना उन्हें बताया जाता है कि रोड कैसे बनाते हैं उन्हें पता सिखाया जाता है कि यार उनको यू नो you know, बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती है ये सब कुछ कैसे बनाया जाता है है ना बस उन्हें इंजीनियरिंग नहीं सिखाई जाती है। <laughs> ठीक है इंजीनियरिंग नहीं सिखाई जाती बाकी सबको सिखाया जाता है उनको ये कैसे करना है ये सब कैसे कैसे करना है उन्हें ये नहीं पता कि इसे इस्तेमाल कहाँ करना है ठीक है तो ठीक है मतलब ये तो जॉक्स वाली बात थी हाँ बट बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ही दोनों ही ठीक है है ना अपन बायोलॉजी हमारी तो बचपन से मोहब्बत है बायोलॉजी से ठीक है तो अपने को बायोलॉजी ज्यादा पसंद है बाकी हाँ फील्ड में यार दोनों ही अच्छे हैं ना आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं बहुत वीडियो हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल की यार कौन सी स्ट्रीम ज्यादा बेटर है कौन सी क्या है तो आप आपने जाके देख सकते हैं बाकी हाँ कभी अगर हमारी मुलाकात होती है तो हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे ओके चलो तो आई थिंक ये आ गया होगा आपको है ना आई एम टेकिंग टी सी एम बी

एंड एम डी ओजेर एम डी ओजेर आई नो यू आर इन एंड नाउ आई थिंक यू आर इन यू आर ऑफ माई आई सी एस सी नो चलो यार है यूपीएससी फिर तो तुम गॉड फादर हो क्या एमबीबीएस क्या इंजीनियरिंग है यूपीएससी इज ऑलवेज बेस्ट हाँ ओके चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड फॉर योर डेडिकेशन देखते हैं मिलते हैं दो तीन साल बाद है ना चलो तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स का आप ध्यान रखिएगा है ना एक एक लास्ट में एक छोटा सा नोट पॉइंट है है ना ये हस्ता खिलसा बच्चा है इसके बारे में एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि टोटोनोमी टोटोनिम्स क्या होता है टोटोनिम्स जो होते हैं ये कुछ ऐसे वर्ड है साइंटिफिक नेम्स हैं विच हैज द सेम नेम लाइक जीनस भी सेम स्पीशी तो, like, okay, तो हमने आज इतना कुछ जाना आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एंड टूडे वी डिस्कस अबाउटी एंड नॉमिन जो हमने आज बात कर लिया है दो स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास इलेवें वी आर है ऑन प्लांट किंगडम सिक्सटी मिनट सिक्सटी क्वेश्चन आपके होने वाले हैं रात को नौ बजे आपका सेशन होगा तो सेशन में आना मत बोलना इसमें आपके क्विज होने वाला है एंड प्लान किंगडम इफ यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर देन यू यू मस्ट अटेंड दिस यू नो क्विज अगर नहीं किया है तो भी कर देना अटेंड क्या जाता तुम्हारा है ना और बाकी इसके लेक्चर जो है अवेलेबल है फर्स्ट लेक्चर्स का हो चुका है प्लस कोर्स इसमें ये ऑलरेडी अवेलेबल है चैप्टर उसे आप जाके देख सकते हैं

Uh, ये प्राइस जो है ऑलरेडी कम हो जाएंगे उस केस में है ना तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ज्वाइन दिस प्लस वी हैव ऑफ ऑफ बेनिफिट आपको पूरा एक स्ट्रक्चर वे में मिलता है है ना यू गेट ऑल द सेशन अवेलेबल देयर यू गेट डीबीपीज देयर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं टेस्ट सीरीज मिलते हैं यू गेट डाउट सॉल्विंग क्लासेस तो बहुत बेनिफिट्स हैं इसके ठीक है तो अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द प्लस कोर्सेज इलेवंथ क्लास का कोर्स चल रहा है ब्रह्मास्त्र कोर्स

सो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्पेशल क्लासेस क्लासेस यू कैन इंटरेक्टिंग देयर आस्क क्वेश्चंस आप सवालों को पूछ सकते हैं है ना क्विजेस होते हैं आप क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये प्लस के हमारे पास फीचर्स हैं कि आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं स्टडी मटेरियल्स मिलता है मेंटर्स मिलते हैं आपको ठीक है टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज इंटरेक्शन आई होप यू एंजॉय दिस है ना प्राइजिंग मैंने आपको बता दी है डॉन्ट फॉवर टू अप्लाई माई कोर्ट विच इज लक्ष्य जी लाइफ इस को आपको लगाने से क्या होगा टेन परसेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो ये था हमारा आज का सेशन आई होप यू एंजॉय दिस एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास तब तक के आप पढ़ाई करते रहे सेफ रहे बाय बाय टेक केयर